नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे बैरिंग गियर या टर्निंग गियर के ऊपर, तो डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में। तो बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बैरिंग गियर के बारे में। जनरली जो बैरिंग गियर होता है वो टर्बाइन में इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि टर्बाइन को साफ को स्लोली हम उसको रोटेट कर सकें, कब ड्यूरिंग मतलब जब हम मतलब टर्बाइन रोलिंग करें उस टाइम पे, और जब हमारा शट डाउन हो रहा है उस टाइम पे। क्यों दिया जाता है बैरिंग गियर या फिर टर्निंग गियर, जिसको हम टर्निंग गियर भी बोलते हैं, टर्निंग गियर, ठीक। तो इसको दिया क्यों जाता है, स्लोली रोटेट टर्बाइन शाफ्ट ड्यूरिंग टर्बाइन स्टार्टअप एंड शटडाउन कंडीशन। ओके, किस लिए दिया होता है, ताकि हम जो टर्बाइन का शाफ्ट है उसको स्लोली रोटेट कर सकें, कब जब हम टर्बाइन रोलिंग कर रहे हैं उस टाइम पे, और जब हमारा टर्बाइन इनके स्ट्रिप हो गया या फिर शट डाउन कर रहे हैं उस टाइम पे। ओके, क्या होता है कि जनरली जो हमारा टर्बाइन का शाफ्ट है काफ़ी हैवी होता है, ठीक ना। उसके लिए क्या होता है कि इसका यूनिफॉर्म हीटिंग ओके एंड यूनिफॉर्म हीटिंग एंड यूनिफॉर्म कूलिंग बहुत जरूरी है, ठीक ना। क्योंकि अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म कूलिंग एंड यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं होगा, उससे क्या होगा कि जो आपका शाफ्ट है वो बेंड हो सकता है, ठीक शाफ्ट क्या बेंड हो सकता है, जिसको हम सैगिंग बोलते हैं, ठीक ना। क्या हो जाएगा, जो शाफ्ट है ये आपका ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैगिंग, ठीक, सैगिंग। इससे बचाने के लिए क्या होता है कि हमें हमारे शाफ्ट को यूनिफॉर्म हीटिंग एंड यूनिफॉर्म कूलिंग करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, टर्निंग गियर या बैरिंग गियर का यूज करते हैं, ठीक ना। क्या होता है कि जब टर्बाइन को हम शट डाउन देते हैं तब क्या होता है कि बैरिंग गियर पर रखते हैं, ठीक ना। जब मान लीजिए हमें टर्बाइन शट डाउन करना है, फिर इनकेस टर्बाइन ट्रिप होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे ही टर्बाइन का स्पीड स्लो होगा तो एक सर्टेन स्पीड आएगा जिस पे वो आपका बैरिंग गियर स्टार्ट हो जाएगा, और बैरिंग गियर पे हमारे टर्बाइन तब तक रहेगी जब तक उसका केसिंग का टेम्परेचर बिलो 140 डिग्री सी नहीं हो जाता। कब तक रहेगा, जब तक कि केसिंग का टेम्परेचर हमारा बिलो 40 डिग्री सी 150 डिग्री सी नहीं हो जाता, और ये आने में लगभग आपको 72 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक ना। बिलो 150 डिग्री सी आने के लिए कितना लगता है, 72 आवर्स का टाइम लग जाता है, ठीक ना। बैरिंग गियर पे डालने से पहले हमें कुछ मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि चेक कर लेना चाहिए, ठीक ना। तो कंडीशंस क्या क्या होती हैं, जैसे कि जो हमारा बेयरिंग ऑयल प्रेशर या लो ऑयल प्रेशर, ठीक, बेयरिंग ऑयल प्रेशर या लो ऑयल प्रेशर, वो एडिक्वेट प्रेशर होना चाहिए, और हमारा जेओपी चलना चाहिए। अगर जेओपी का वो है मतलब जेओपी दिया हुआ, तो जेओपी चलना चाहिए, जीओपी रनिंग कंडीशन, ओके, जीओपी हमारा चलना चाहिए। जीओपी क्या होता है, जीओपी हमारा एक जैकिंग ऑयल पंप दिया होता है, जो कि क्या करता है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, ठीक ना, जैकिंग ऑयल पंप, ओके। तो क्या करता है वो, जीओपी क्या करता है कि हाई प्रेशर ऑयल मतलब हाई प्रेशर ऑयल सप्लाई करता है टर्बाइन के बेयरिंग को, ठीक ना। क्या करता है जीओपी, सप्लाई हाई प्रेशर ऑयल टू टीजी बियरिंग, क्या करता है, हाई प्रेशर ऑयल सप्लाई करता है मतलब टर्बाइन को, ओके। और क्या करता है, शाफ्ट को स्लाइटली लिफ्ट करके रखता है, जो हमारा टर्बाइन का शाफ्ट है उसको स्लाइटली लिफ्ट टर्बाइन शाफ्ट, ठीक, टर्बाइन के शाफ्ट को स्लाइटली लिफ्ट करके रखता है। तो लिफ्ट क्यों करवाते हैं हम, इससे ये हो जाता है, हमें ये इंश्योर हो जाता है कि जनरल जो जर्नल है बियरिंग का, जर्नल और बियरिंग के बीच में कोई मतलब मेटल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो स्लाइटली लिफ्ट होना जो मतलब ये हमारा जो स्लाइटली लिफ्ट करवाता है, इससे हम ये इंश्योर कर लेते हैं जर्नल एंड बियरिंग, ठीक, नो मेटल कॉन्टैक्ट,
यूनिफॉर्म मेटल कॉन्टेक्ट क्या होता है, इससे हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि देर इज नो मेटल कॉन्टेक्ट बिटवीन जर्नल एंड बेयरिंग। ओके, जिससे हमारा बेयरिंग डैमेज होने के वो मतलब जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ओके, इससे बेयरिंग बेयर की प्रॉब्लम कम हो जाती है। ठीक, लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल ये क्या करता है कि जो हमारा मतलब इन दोनों के बीच में ना एक ऑयल की फिल्म बनाता है, ठीक ना, अपना शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में क्या बनाता है, ऑयल की फिल्म बनाता है, ऑयल की ऑयल फिल्म बनाता है। ठीक, ऑयल फिल्म बनाता है। तो जैसे ही हमारा ये ऑयल फिल्म बन गया उसके बाद हम जीओपी को बंद भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो काम होता है जीओपी का, क्या काम होता है हमारा जो टर्बाइन का शाफ्ट है उसको लिफ्ट करके रखता है। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया बारिंग गियर के ऊपर और मैंने बताया आपको कि जीओपी क्या होता है और क्या वर्क करता है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।